ओम शांति बाम दादा मधुवन। आज की मधुर मुरली 16/11/2024। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने, जिस हुनर से तुम सूर चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। प्रश्न, साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? उत्तर, साइंस घमंडी चांद सितारों पर जाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, शरीर का जोखिम उठाकर जाते हैं, उन्हें यह डर रहता है कि रॉकेट कहाँ फेल ना हो जाए। तुम बच्चे साइलेंस घमंड वाले बिना कौड़ी खर्चा सूर चांद से भी पार मूल वतन में चले जाते हो। तुम्हें कोई डर नहीं क्योंकि तुम शरीर को यहाँ ही छोड़कर जाते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे सुनते तो रहते हैं। साइंस दान, चांद पर जाने का प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन वो लोग तो सिर्फ चांद तक जाने की कोशिश करते हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, वह तो चंद्रमा की तरफ जाते हैं, तुम तो सूर चांद से भी पार जाते हो, एकदम मूल वतन में। वो लोग तो ऊपर जाते हैं तो उनको बहुत पैसे मिलते हैं। दूसरी पॉइंट, इस हुनर सीखने से तुमको कितनी बड़ी प्राइज मिलती है? 21 जन्मों की प्राइज मिलती है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। तीसरी पॉइंट, मुक्ति धाम हमारा घर है, यही कोई को पता नहीं है। अब तुम बच्चों को सिखलाने के लिए देखो, बाप कहाँ से आते हैं, कितना दूर से। चौथी पॉइंट, बाप ने ही घर जाने का रास्ता बताया है, सिवाय बाप के कोई भी वापिस अपने घर जा नहीं सकते। छठवीं पॉइंट, अब तुम भी कितनी ऊंच नाले सीखते हो, बाप तुमको पवित्र बनाने की युक्ति बताते हैं कि बच्चे माँ के याद करो तो तुम पति से पावन बनेंगे। सातवीं पॉइंट, आत्माएं ऊपर में रहती हैं, फिर आती हैं पार बजाने, वह भी सुप्रीम आत्मा है, परंतु उनकी पूजा कैसे हो, भक्ति भी जरूर होनी ही है। आठवीं पॉइंट, बाबा ने समझाया है, आधा कल्प है ज्ञान दिन, आधा कल्प है भक्ति रात। अभी संगम युग पर तुम ज्ञान लेते हो, सतयुग में तो ज्ञान होता नहीं, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। नवी पॉइंट, अभी थोड़े समय में हाहाकार हो जाएगा, फिर हाय हाय करते रहेंगे। स्वर्ग में देखो कितना सुख है, यह एम ऑब्जेक्ट की निशानी देखो, यह सब तुम बच्चों को धारणा भी करनी है। दसवीं पॉइंट, बाबा तुमको क्या सुनाते हैं, फिर कहाँ जा रहे हो देखते हैं, इनको माया खा रही है तो बाप बचाने की कोशिश करते हैं, फिर से सुजाग हो जाए, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे, सदगुरु की निंदा कराते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुकशार। पहली पॉइंट, बाप से साइलेंस का हुनर सीख कर इस हद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। फकुर नशा रहे, बाप हमें कितना वंडरफुल ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइज देते हैं। दूसरी पॉइंट, बेधड़क होकर बहुत रसीले ढंग से सेवा करनी है, माया की लड़ाई में बलवान बन जीत पानी है। मुरली सुनकर सुजाग रहना है और सबको सुजाग करना है। वरदान आज बाबा ने दिया, परम पूज बन परमात प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। स्पष्टीकरण, सदा से स्मृति जीवन में लाओ, सदा ये स्मृत जीवन में लाओ कि मैं पूज आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ,
ऐसी पूज आत्मा ही सर्व की प्यारी है, उनकी जड़ मूर्ति भी सबको प्यारी लगती है। कोई आपस में भल झगड़ते हो, लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे क्योंकि उनमें पवित्रता है। तो अपने आप से पूछो, मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बनी है? जरा भी अस्वच्छता मिक्स तो नहीं है? जो ऐसे संपूर्ण स्वच्छ है वही परमात प्यार के अधिकारी हैं। स्लोगन आज बाबा ने दिया, ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर, हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। ओम शांति।